कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग लेबल के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है लेबल। तो जितने लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें लेबल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करिए कि ये आपकी बिल्डिंग बन रही है, सपोज करिए ये आपकी बिल्डिंग बन रही है, और आपको अब इसका सपोज करिए एक्सीवेशन ही करवाना है, तो आप लेबल कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो आपके बिल्डिंग के फ्रंट साइड में जो भी रोड होती है, ये सपोज करिए ये रोड आपकी जा रही है, तो आपने लेबल यहाँ से सेंटर पॉइंट से उठाना है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने लेबल, ये चाहे जो भी लेबल आपको अगर साइड पे मिला हुआ है, तो उसको आप उस लेबल को हम लोग बोलते हैं एनजीएल। ये हो गया एनजीएल। तो ये होता है आपका एनजीएल, नेचुरल ग्राउंड लेवल। जो भी नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो आपको एक रीडिंग लेनी है, और उसको कहीं भी आपको एक बेंचमार्क बना के उस पे लिख देना है। जो भी आपका यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 से कितना ऊपर गिर जाए, मान लीजिए आपने 0 0 से +500 पे आपने ये रीडिंग लिख ली, +500। अब ये वाली जो बेंचमार्क है, यहीं से आपको सारा लेवल उठाना है पूरी बिल्डिंग का। तो जब हम डीप में जाते हैं, जब हम एक्सीवेशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि एनजीएल से जितना नीचे जाएंगे तो वो आपका माइनस में जाता है। अगर सपोज करिए आप 1 मीटर एक्सीलेशन करते हैं तो -1 मीटर हो जाएगा ये। 2 मीटर जाते हैं तो -2 मीटर हो जाएगा। तो जब हम नीचे जाते हैं तो वो रीडिंग हमारी माइनस में आती है, और जब हम एनजीएल से ऊपर जाते हैं तो वो रीडिंग हमारी प्लस में आती है। ये चीज आपको जानना सबसे पहले जरूरी है कि जब एक्सीवेशन हम करते हैं, जब हम एनजीएल से नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, और जब एनजीएल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम प्लस में जाएंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपको जानना काफी जरूरी है। अब उसके बाद आती है हमारी बारी उसकी। सपोज करिए आपने इसका एक्सीवेशन कर लिया, एक्सीवेशन करने के बाद अब इसमें आपको लेवल, ये वाला लेवल, आप जैसे ग्राउंड लेवल पे आ गए, अब ये लेवल चाहे ग्राउंड पे हो, चाहे बेसमेंट पे हो, चाहे कहीं भी, जैसे कॉलम है आपका, ये कॉलम हो गया, कॉलम हो, चाहे आपकी पीसीसी हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे वहां पे जो भी लेवल दिया हुआ है, अब उस लेवल पे आपको जाना है, तो इसके हिसाब से जाना पड़ेगा आपको। जैसे आप आपने कॉलम के ऊपर निशान ये लगा लिया, कहीं भी कॉलम पे निशान लगा लिया आपने इससे रीडिंग लेके, अब जैसे मान लीजिए इस कॉलम पे आपने +500 का निशान लगा लिया। अब इस +500 का निशान, दो लेवल होते हैं, एक स्ट्रक्चर लेवल होता है, एक फ्लोर फिनिश लेवल होता है। तो आप एक ही लेवल लेके चलिए, या तो स्ट्रक्चर लेवल लेके चलिए या तो फ्लोर फिनिश लेवल लेके चलिए। तो एक ही लेवल का आपको निशान लगाना है, तो बेसिकली लोग स्ट्रक्चर लेवल का लगाते हैं, तो स्ट्रक्चर लेवल आप 500 700 जो भी उठा के लगाना हो कॉलम के ऊपर, आप मार्क कर लीजिए उसको। तो कॉलम पे आपने 500 का लेवल लगा लिया है, अब उस लेवल से आपको पूरे फ्लोर का लेवल करना है। तो आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपना लेवल मशीन सेट कर लिए, यहाँ से आप रीडिंग लेंगे, तो जो भी रीडिंग आएगी, सपोज करिए रीडिंग आ गई उसकी 1200 आ गई, तो जो 1200 इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आ गई, अब उसमें क्या है कि आपने 500 लेवल अप किया हुआ है, तो 1200 में +500 कर देंगे, तो जब 500 कर देंगे तो वो हमारा बॉटम का लेवल आ जाएगा। तो इसका पूरा लेवल इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अब स्लैब का, जैसे लेवल अब स्लैब का करना है, मान लीजिए आपकी ये स्लैब है, अब स्लैब का लेवल चेक करना है तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए स्लैब आपकी लगी हुई है, ये बीम है आपके, ये बीम है और ये आपकी स्लैब है। अब इसका लेवल आपको करना है, कोई भी लेवल आपको एक्स वाई जेड कोई भी लेवल दिया हुआ है,
और यहाँ पे आपका कॉलम हो गया, एक कॉलम यहाँ आपका हो गया, कॉलम यहाँ हो गया। अब इसको स्लैब का लेवल करना था, आप कैसे लेवल करेंगे? तो वही सेम मेथड आपको अपनाना है, कहीं भी एक लेवल अपना डिफाइन करिए, जो भी लेवल करना हो आपका लेवल हो गया। छत का लेवल आपको पता होगा कितने पे है, तो वो रीडिंग आपको एनजीएल से ले जानी पड़ेगी। जैसे एनजीएल से हमने यहाँ 500 उठा कर रखा हुआ है, तो इससे आप कितना ऊपर गए हो वो रीडिंग आप देखेंगे साइड पे, कि अगर आप मान लीजिए एनजीएल से आपको 4500 ऊपर गए हुए हैं, 4.5 गए हुए हैं, तो 4.5 के हिसाब से यहाँ पे लेवल करेंगे। 5 मीटर गए हुए हैं एनजीएल से ऊपर, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं भी एक लेवल का निशान हो, ये स्ट्रक्चर लेवल आप 500 का लगा लीजिए। यहाँ पे कहीं मशीन आपने अपने सेट कर ली, अब यहाँ से ये वाली रीडिंग पढ़ेंगे, जो भी रीडिंग आई, सपोज करिए 1 मीटर आ रही है इंस्ट्रूमेंट की हाइट, तो उसमें 500 प्लस हो जाएगा, 500 प्लस कर लिया आपने। उसके बाद आपको स्लैब का थिकनेस देखना होगा, स्लैब की थिकनेस जितनी भी है वो प्लस हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा टॉप ऑफ शटरिंग आ जाएगा, टॉप ऑफ शटरिंग। आप इसमें रीडिंग जो भी आएगी आपकी 150 स्लैब की थिकनेस 150, तो आपका हो जाएगा 1500 1650 आपको देखना होगा। तो अब यहाँ से आप 1650 देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ 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 8-10 जगह आप देख लेंगे, तो आपकी पूरी स्लैब की लेवल हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बीम को देखना है, बीम का बॉटम देखना है, तो जितने का बीम हो, सपोज करिए 600 का बीम है, तो आप उसमें 150, तो आप पहले ही रीडिंग अपनी नीचे जा चुकी है, तो उसमें वो बीम का डेप्थ जोड़ लेंगे, जो भी रीडिंग आएगी तो बीम का हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम साइट पर लेवल चेक करते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।